फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे शाम के 6 और बहुत बोर हो गया है। पूरा दिन इतना बोर हो गया है ना कि हमें क्या बताऊँ, क्योंकि इतनी बारिश है ना, और फिर से इस वीक पूरी स्कूल को छुट्टी दे के रखते हुए इतना बोर हो रहा है। उसको स्कूल नहीं है ना, तो मैं नीचे भी जाने को मुझे बहुत कंटाला आता है। तो 3 दिन हो गए मैं अभी तक नीचे गई नहीं, और बारिश भी इतनी है तो मुझे जाने कंटा ला रहा है। लेकिन अभी उसकी फॉनिक्स की क्लास है, तो वही सोचती हूँ कि उसको छोड़ने जाओ। अभी जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पीकर उसको छोड़ने जाती हूँ। वो बच्चा भी बोर हो गया अभी घर में बैठ बैठ के। और सुबह से सोच रही थी कि थोड़ा सा शूट कर लूँ, लेकिन 1 बजे से 4 बजे तक तो उसकी ऑनलाइन क्लास ही थी, तो सुबह से शूट करने भी नहीं मिल रहा है। मतलब फ़ोन ही उसको देना पड़ा, तो मैं कैसे शूट करूँ? मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी। तो अभी कुछ भी मतलब मैंने को हो नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ अभी, कि उसको छोड़कर आऊँ कि नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है। लेकिन क्लास से कोई मैसेज नहीं आया है, तो जाकर देखती हूँ। साथ में मुझे ना आटा भी देना है, तो पहले सोची थी कि बाइक पे जाऊँगी स्कूटी पे, लेकिन इतनी बारिश है और मेरा रेनकोट भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं मैंने मेरा रेनकोट कहाँ पे रख दी, तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैंने कल पूरा बेड चेक कर ली, लेकिन नहीं मिला। तो अभी देखती हूँ मैं ना, इधर पास में जो सोसाइटी में है उनके पास ही डाल कर आती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी आटा नहीं। सुबह में मैंने वेज पुलाव बनाई थी, तो अभी तो वो चपाती चाहिए रहेगी मुझे, तो एटलीस्ट लगेगी। चावल खाने से कंटाला आ जाता है। और इन्होंने तो बोला है कि रात को मेरा खाना मत बना, मुझे बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा काम नहीं है, उनके कोई ज़्यादा कस्टमर नहीं है, तो वो थकते ही नहीं है। तो वो बोले कि मेरा खाना मत बना। और यहाँ पर हमारे एक बार बार भूख लग जा रही है, उसको को बार बार बारिश की वजह से एक तो वॉशरूम आ रहा है, या तो भूख लग रही है। और टीवी करेगा भी तो क्या, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से बोर हो गया था। उसके बाद में फिर मैं बैठी थी वीडियो कॉल पे बातें करते दीदी और मम्मी से। उसके बाद में फिर मैं बोली चलो फिर चाय बनाती हूँ, उसको छोड़ कर आती हूँ, जब तक तू टीवी देख ले। तो फिर उसको भूख भी लगी थी, तो कुछ भी नहीं था, एप्पल तो खा लिया था। उसके बाद फिर थोड़े से यहाँ पर वो पता क्या है, वो चकली थी वो दिया है उसको, तो बैठा है अभी खाते। और अभी बारिश बाहर देखो इतनी है कि अगर मैं ये विंडो ओपन रखूँगी ना, तो कुछ भी घर में सुनाई नहीं आएगा, इतनी तेज़ बारिश है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बाहर भी नहीं जा पा रहे हम लोग, है ना, बोर हो गए ना। मुझे मार्केट जाना था सैटरडे को, लास्ट सैटरडे भी जाना था, लेकिन नहीं जा पाई। लास्ट सैटरडे भी ना मार्केट जाने का था, और उसकी पेरेंट्स मीटिंग भी थी पीटीआई, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिए थे। बोले नहीं रखेंगे करके बारिश की वजह से, क्योंकि वेनसडे थर्सडे फ्राइडे तीनों दिन छुट्टी थी स्कूल को, और सैटरडे के दिन भी उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग कैंसिल किया, तो हम लोग भी नहीं गए। फिर मैं बोली अब ये सैटरडे को जाऊँगी, फिर ये सैटरडे को सेम इशू हो गया है, पेरेंट्स मीटिंग रखा हुआ है वो भी कैंसिल हो गई थी, कि पता नहीं है अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो वेनसडे थर्सडे 2 दिन ऑनलाइन क्लास हुई है, कल का भी अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि कल ऑफलाइन रहेगा कि ऑनलाइन। लेकिन इतनी बारिश है ना, तो मेरे को तो पता है कि ऑनलाइन ही रहने वाला है, और अगर ऑफलाइन रहते भी तो मैं भेजूंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है बाबा इतनी दूर भेजने का। और बच्चे को भेजने के बाद वापस बारिश तेज हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, कहीं ध्यान नहीं लगता, पूरा ध्यान बस वही पर रहता है कि बच्चे कैसा करेगा, स्कूल में ठंड लगेगी, आने के टाइम पे कैसा आएगा। जैसे जैसे बारिश बढ़ती है ना, ठंडी बढ़ती ना, और जैसे जैसे बारिश तेज होती है ना, वैसे वैसे डर लगना शुरू हो जाता है। तो मैं तो कल भेजूंगी नहीं, वैसे तो नहीं रहेगा, 2 दिन ऑलरेडी छुट्टी दी है। वैसे कल इतनी बारिश नहीं थी जितनी आज है, तो फिर कल का तो सवाल ही नहीं था। कल भी छुट्टी तो नहीं रख रहे लोग, ऑनलाइन क्लास रख रहे, तो 2 दिन तो ऑनलाइन में उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं सीधे से, लेकिन आज एकदम प्रॉपर से स्टडी ली है उन लोग ने। तो कल भी शायद से उसी तरह से अच्छे से लेंगे, बराबर से कवर करेंगे हम। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं जाती हूँ चाय पीती हूँ, उसके बाद में फिर अध्ययन को छोड़ कर आती हूँ। अध्ययन रेडी है ना, जाना है ना क्लास को, उतना तो एक राउंड भी हो जाएगी मेरी, बहुत बोर हो गई, और उनके पास भी टाइम नहीं है। वही अभी आए थे तो मैं उनसे गुस्सा कर रही थी कि बाबा कहीं तो लेके चलो, या तो कम से कम घर में तो रुक जाओ एटलीस्ट, कि मुझसे कोई बात करने तो हो। तो वही उन्होंने बोला कि सैटरडे के दिन से ना आदमी आने वाला है काम पे, वो एक आदमी आ जाए तो फिर मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, तो फिर मैं थोड़ा टाइम देता हूँ। जैसे ना कोई नहीं रहेगा ना बात करने के लिए, बहुत बोर हो जाता है। मुझे ना अकेले बाहर जाके घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये साथ में रह गए तो ही मैं कहीं जाती हूँ, अगर ये नहीं रहेगा ना तो मैं नहीं जाती। अभी तो अध्ययन है, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको लेके थोड़ा बहुत जाती हूँ, लेकिन वैसा तो नहीं जाती हूँ। तो चलो अभी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर से, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं एक तरफ बना रही हूँ चाय और दूसरी तरफ मैंने रखा है दूध गर्म करने के लिए, और अध्ययन को जाना है ट्यूशन के लिए, सॉरी फोनिक्स क्लास के लिए छोड़ने के लिए, तो इसलिए फिर जो है मैं उसको चाय टोस्ट बनाकर खिलाने वाली हूँ, और मैं अपने लिए भी जो है ना चाय बनाई हूँ अदरक की, तो वही इंजॉय करेंगे आप भी आओ हमारे साथ में इस बारिश में चाय को इंजॉय करने के लिए। तो चलो फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर से। अभी बाय बोलना, देखो इधर से बाय। तो फ्रेंड्स मैं अरियान को लेकर अभी आ गई हूँ क्लास से, और फिर उसकी अरबी भी हो गई है, तो अभी मैं सोची थी कुछ बनाऊंगी खाने के लिए, क्योंकि ये बोले वो नहीं खाएगी, तो मैंने बोली कि हम लोग के लिए पाव लेकर आओ, और फिर अध्ययन ने सुन लिया कि मैं पाव और अंडा मंगा रही हूँ, तो उसने क्या मंगाया बोल अध्ययन, तू ही बोल तुझे क्या खाने का है, क्या बोला था तूने? अभी उसने बोला है कि शोरमा खाना है, तो उसके अबू बोले कि अगर बारिश रुक गई तो तू लेने के लिए आ, तो अभी बारिश रुक गई है तो मैं पटक से जाती हूँ उनको लेने के लिए, और पता नहीं मेरा ना जर्किन सॉरी रेनकोट मैंने कहाँ पर रख दिया है, मैं जर्किन बोल रही हूँ क्योंकि जर्किन अभी लास्ट मंथ में लिया था मैंने, तो उसने मेरे मुँह पर बार बार ना जर्किन ही आता है, रेनकोट जल्दी आता ही नहीं, क्योंकि ये साल में एक ही बार यूज़ होता है, और मैंने पिछले साल ही लिया था, पिछले साल नहीं है ना दिन, दो साल हो रहे शायद, दो साल हो रहे, मैं जब मेरे दूसरे घर में थी ना तब मैंने ली थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा, नहीं एक ही साल हुआ शायद, याद नहीं आ रहा है, तो इतना अच्छा मैंने इमरजेंसी में जाकर ना अच्छी क्वालिटी वाला ले ली थी, अल्लाह के ज़्यादा यूज़ भी नहीं है उसका, तो भी मैंने ले ली थी, अभी जो है ना मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर रखी, पहले भी मुझे अध्ययन वाला भी याद नहीं आ रहा था, एक तो अध्ययन नहीं दिख रहा, तो मुझे ना अध्ययन का भी याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको ना गलती से जो उसका एक साल पुराना वाला था ना वही दे दी थी जो थोड़ा फट गया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको अच्छा वाला लेकर आई थी, वो इतना मैंने लॉन्ग लेकर आई थी, लेकिन अब उसको इतना बराबर से मतलब वापस थोड़ा छोटा हो गया, तो ये साल तो इंशाल्लाह वो निकाल देगा, लेकिन मेरा वाला मिल नहीं रहा है, तो अभी मैं जाती हूँ ढूंढती हूँ, नहीं मिला तो वैसे निकल जाती, वैसे भी बारिश कम हो गई अभी, अध्ययन को रेनकोट पहनाती हूँ, चल बेटा जल्दी से चल, अब्बू का फोन आया, अब्बू पहुंच गए स्टेशन, चल बारिश नहीं है तो निकल जाएगी अपन, ठीक है चलो उठो ऑर्डर जल्दी, और कपड़े भी चेंज करो, कपड़े भी चेंज करने के हैं, चलो कपड़े भी चेंज करते, तो चलो हम लोग जाते हैं अभी शोरमा लाने के लिए, और मैं अपने लिए देखती हूँ मैं चिकन लूंगी, मुझे तो शोरमा ज्यादा पसंद नहीं है, अभी अभी मैं थोड़ा सा खा रही हूँ, वो भी यहाँ का मुझे पसंद आया है, तो मैं पाव शोरमा खाती हूँ, तो चलो मैं देखती हूँ पाव शोरमा लूंगी या तो अपने लिए जो है ना ग्रिल चिकन लूंगी, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। चल ना अध्ययन लेट हो रहा है, अब्बू का कॉल आया है जाने का है ना, तेरे लिए जाने का है ना, नहीं जाना, क्यों तूने आ रहा है, नहीं मुझे टाइम लगेगा, तुमने पूरा कट कर दिया थे ना मेरे आज तक ही, मैं आई ना तभी उन्होंने कट कर दिया था, मैं जाते दिन क्या करती हूँ फिर उसके आगे इसको ऐड करते हैं, हो भी गया आज जल्दी हो गया, अब सही से ऊपर रखे तुमने, छोटू को तेरी दुकान बहुत पसंद है, रहते इधर क्या हुआ, पैर दुख रहे, चल जाके बैठ जाओ उधर, जाओ बैठ जाओ उधर, जा जाओ जा जाके बैठ जा ना, पैर दर्द हो रहा है तो बैठना बच्चे, शोरमा लेना है तो शोरमा लेने आया था ना, देख तेरा शोरमा उधर बन रहा है, शोरमे की बात हुई थी, आराम मिल रहा है, गरम मिल रहा है, आप भी देखो वरना है ना दी, वेट कर रहा है ना, गरम नहीं लग रही, बारिश की वजह से आराम है, नहीं ना, खाने के आइटम चलते बारिश।
भोपले भोपले डर गया क्या? जो 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 डर गया अजय पीछे भी कर रहे हैं उन्होंने उसमें स्मेल आना इसलिए तो डाले है ना, स्मेल आना इसलिए तो डाले ना। ये देखो तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे अभी घर पर, और घर पे आने के बाद मैंने पहले अध्ययन के कपड़े चेंज करे क्योंकि अध्ययन थोड़ा सा गीला हो गया था रेनकोट पहनने के बावजूद, क्योंकि उसने क्या किया था सामने से पूरा खोल दिया था, और मैं तो नहीं हुई इतनी गीली क्योंकि मैं पीछे बैठी थी और मैंने थोड़ी सी जो है ना छतरी भी ले ली थी। और यहाँ पर अभी मैंने उसको देखो पूरा सा ना उठाने लगाई हूँ क्योंकि दोपहर में उसकी ऑनलाइन क्लास थी तो सब यहाँ रख दिया था। अध्ययन ये है ना अपन सामने रखेंगे ना, यहाँ क्यों रखा है इसको? मम्मी मैं चबट्टो खेल ले लो। वापस तोड़ देगा, अब वापस बनाए वापस तोड़ देगा। नहीं हम बच्चे बच्चे बच्चा तुम क्या कर रहे? काम कर रहे। हाँ कपड़े सूखने वाले, कपड़े बाहर थोड़ी ना सूखने वाले अभी ले रहा हूं। अब बारिश कम हो गई है ना, बिल्कुल भी नहीं आ रही ऐसा लग रहा ना, बंद हो गई। तो अभी जो है ना ये डाल रहे पूरे घर में कपड़े, वापस से कपड़े। मैं तो इनके कपड़ों से इतनी परेशान हो गई, मैं उनको बोल रही हूँ कि रोज कपड़ा मत निकालो या सूखने डालने के लिए जगह नहीं है। अभी मैंने रस्सी लगाई थी, अभी यहाँ पर हैंगर में भी कपड़े टंगाए और वॉशिंग मशीन में भी बहुत सारे कपड़े। बस ये आदमी ने ना मेरे घर में ना बस कपड़ा कपड़ा करके रखे हुए है ना रे दी। मैं और मेरा बेटा ना बिल्कुल भी कपड़े नहीं निकालते, नहीं नाइट्स निकालते। तुम्हारे तो बस सुबह में अलग, दोपहर में अलग, नमाज के अलग, नीचे रौन मारने के अलग, हर टाइप का कपड़ा। पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा का कहा क्या क्या डाल के रखे ले। अब चल मम्मा चलो वॉशरूम जाओ, चलो अभी मैं ये लाऊं के। अब बताए फ्रेंड्स मैंने किचन में बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया है, किचन को मैंने बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया। अभी मैं जा रही हूँ किचन क्लीन करने क्योंकि जो सामान पड़ा हुआ है ना वो वैसा ही पड़ा है, शाम से चाय वगैरह बनाई थी तो वो वैसे ही छोड़ दी। उसके बाद मैं किचन में गई नहीं, क्लीन की नहीं, तो अभी जाकर थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, ड्रेस भी चेंज करती हूँ और अध्ययन को भी अभी वॉशरूम वगैरह भेजती हूँ। तो चलो कब करके आया तू? आए थे घर में तब किया था तूने, तो इसको वॉशरूम को भेजती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि सुबह में जल्दी उठना इंशाल्लाह। कल जो है ना मुहर्रम की 9वीं तारीख है तो कल हम लोग सोच रहे हैं कि रोज़ा रखने का, और कल जुम्मा भी है तो कल का रोज़ा अच्छा रहेगा तो कल रोज़ा रखेंगे और अशुरा के दिन भी इंशाल्लाह से रोज़ा रखेंगे। तो करके जल्दी सोना है तो जल्दी उठ पाएंगे ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सुबह 12 हो गए तो अभी जाती हूँ मैं सोने के लिए, थोड़ा सा जो काम है वो कर लूँगी उसके बाद हम लोग जाएंगे सोने के लिए। तो चलो मेरा ये जो ब्लॉग है वो मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो इंशाल्लाह कल सुबह में अगर सहरी में मैं उठूँगी इंशाल्लाह तो मैं वहाँ से कल से नया ब्लॉग बनाऊँगी। तो ये ब्लॉग को मैं अभी फिलहाल यही ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।